एक बात आपको बताएं, क्रोध को दूर करने के लिए सरलता और सहजता की जरूरत है। क्रोध हो तो उसके सामने आप अगर क्रोध करके जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप सरल हो जाएं। जैसे क्रोध में व्यक्ति जलता है और विनम्रता में शीतलता का अनुभव होता है, तो जल डाल दो तो आग ठंडी होगी। क्यों भाई, जो प्रबल वेग है आग का, अगर जल डाल दोगे तो क्या होगा, ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही विनम्रता है, क्रोध में कोई हो तो उस समय आप धैर्य का परिचय दो, बाद में फिर देखा जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टिया क्या करना है, धैर्य का परिचय देना है, धैर्य को खोना नहीं है। तुम उल्टा पुल्टा करते हो, कोई क्रोध में आया तो तुम कहा अच्छा बिगाड़ लो, तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, तुम में ताकत है, लो गड़बड़ हो गया, वही सब वही द्वंद्व शुरू हो, बढ़ जाएगा, बड़ा विकराल स्वरूप हो जाएगा संघर्ष का। हनुमान जी गए तो देखा कि अरे ये तो क्रोध है आंखों में और शरीर कांप रहा है। हनुमान जी ने चरण बंद है, रामायण में लिखा है क्या, चरण बंद। अतुलित बल धामम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, लेकिन हाथ जोड़ रहे, बोलो जोड़ रहे कि नहीं, सब कुछ होने के बाद भी हाथ जोड़ रहे। चरण बंद प्रभु सुजस बखान, कर बिनती मंदिर ले आए, और चरण पखार पलंग बैठाए। ये सारा शिष्टाचार का निर्वहन कौन सुग्रीव कर रहा है कि मंत्री कर रहे हैं कि हनुमान जी, बोलो भाई हनुमान जी। देखो साधु शिष्टाचार की बात ही नहीं करता है, स्वयं शिष्ट होता है और शिष्टाचार से युक्त उसका जीवन होता है, ऐसे ही साधु होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। साधुओं के यहाँ जाके देखना, तुरंत कहेंगे प्रसाद पालो, पानी पी लो, लो ये प्रसाद लो, दौड़ के जाएगा लड्डू, ये ऐसा थोड़ी है कि साधु संत तुम्हारे सम्मान के भूखे रहते हैं, सम्मान देते भी हैं। क्यों क्यों, तुम भगवान के यहाँ हाजिरी लगाने आए हो, इसलिए तुम भगवान के यहाँ जब हाजिरी लगाने आए हो तो निश्चित है जो हमारे भगवान को भगवान मानता है, सम्मान करता है मेरे भगवान का, वो मेरा मेहमान होता है, इसलिए भोजन भी करो, पानी भी पियो, प्रसाद भी लो। क्यों भाई, प्रसाद भी लो। आओ हनुमान जी लगे सेवा में, कौन लगे लक्ष्मण जी की सेवा में, कौन लगे जल्दी बोलो। हाँ हनुमान जी, कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठा, चरण पखार पलंग बैठाए, चरण पखार पखारे चरण बैठाए, कहां पलंग, बैठो बैठो बैठो। ये काम तो सुग्रीव को करना चाहिए था, मंत्रियों को करना चाहिए था, करना चाहिए था नहीं, ये काम हनुमान जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरे नगर को बचाना है आग ना लग जाए, नगर को बचाना है आग ना लग जाए, केवल शस्त्र प्रदर्शन से ही किसी को नहीं बचाया जा सकता, कि शस्त्र प्रदर्शन से ही बचाया जा सकता है, एक माध्यम केवल शस्त्र है, नहीं नहीं, पहले सरलता है, पहले क्या है, बचने का उपाय सरलता, जब सरलता से काम ना चले तब शस्त्र है। शस्त्र की निंदा नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत मानना, लेकिन पहले सरलता, इसके बाद शस्त्र। सठे साठ्यम समाचरित, हनुमान जी ने भी किया था लंका, जन्म मारे थे मैम मारा ते में मारे, जिन मोह मारा ते में मारे, ते पर बांधू तने तुम्हारे, जिन मोह मारा ते में मारे, ये तो हनुमान जी ने भी किया। लेकिन यहां आप देख रहे हैं
पहले हनुमान जी ने ये सब नहीं किया, पहले तो हनुमान जी हाथ ही जोड़ते गए, जब बार प्रहार होने लगे तब हनुमान जी ने प्रतिक्रिया की। तो चरण धोए बिठाला, लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ हनुमान जी राजा कहां है, आपका राजा कहां है राजा? हनुमान जी बोले वो भी आएगा, ऐसी बात नहीं, आएगा आएगा, लाओ। हनुमान जी ने कहा एक निवेदन कर रहा हूं, क्या कि वो आएगा तो, लेकिन जो भी फैसला होगा वो आपकी अदालत में नहीं होगा, प्रभु राम की अदालत में होगा, इतनी मेरी प्रार्थना है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, प्रभु की अदालत में ही होगा, मैं भी लेने के लिए आया हूं। हाँ तो अभी आता है राजा, चिंता करने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी बोले लेकिन एक बात बताओ, हमको पलंग पे क्यों बिठाला? हमने जब प्रतिज्ञा की है कि 14 वर्ष तक हम सोएंगे नहीं और कई सालों के जगे हुए हैं और पलंग पे बिठाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, जिसने ये प्रतिज्ञा की हो कि मैं इतने वर्ष तक सोऊंगा नहीं, वो उसके पहले वो अवधि पूरी ना हो पावे उसके पहले पलंग और गद्दा उपलब्ध करा दो उसको, तो इसका मतलब क्या है, उसकी प्रतिज्ञा के साथ में खिलवाड़ है कि नहीं? क्यों भाई? अरे भाई पलंग और गद्दे वद्दे सब सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रहे, इसका मतलब क्या है? संकल्प टूटेगा कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में, तो आपने मुझे पलंग पे क्यों बिठाला? आप लोग कह सकते हो महाराज पलंग था इसलिए बिठाला, और बैठालने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो बैठालने के लिए कुर्सी भी होती है, ऐसी बात थोड़ी, कुर्सी पर बैठा जाता है सोया नहीं जाता है, और पलंग पे बैठा कम जाता है सोया ज्यादा जाता है, क्यों? यही नियम, पलंग पर क्या किया जाता है, बैठा कम जाता है सोया ज्यादा जाता है, कुर्सी पर सोया कम जाता है बैठा ज्यादा जाता है, तो पलंग पे बिठाला कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाला? आप लोग कहोगे कुर्सी थी नहीं, राजा के यहां कुर्सी नहीं होगी, कुर्सी का तो महत्व है, क्यों भाई? राजा के यहां महत्व किसका है, जल्दी बोल, कुर्सी का ही महत्व है। अच्छा जितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसके पीछे हो रहे हैं, पलंग के पीछे हो रहे हैं कुर्सी के पीछे, बोलो भाई, पलंग के पीछे हो रहे हैं कि कुर्सी के पीछे? कुर्सी के पीछे झगड़े हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? पलंग के पीछे नहीं हो रहे हैं, कुर्सी के पीछे। और सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई अगर ये कह दे आपसे कि मैं कुर्सी पकड़ा दूंगा तो आप खुश हो जाओगे, हैं? और कोई ये कहे मैं पलंग पकड़ा दूंगा तुमको, चैलेंज कर रहे हो तुम, क्यों भाई? भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? भाषा बदल गई, पलंग और कुर्सी, कुर्सी पकड़ा दूंगा आप प्रसन्न हो गए हो, पलंग पकड़ा दूंगा, बुंदेलखंड में कहते नहीं खटिया पकड़ा दूंगा, पड़े पड़े खटिया पे, बुंदेलखंड की भाषा है, बाहर के लोग तो बुंदेलखंड के लोग तो सब जानते हैं, लेकिन दुनिया में अन्य देशों के लोग कहां समझेंगे खटिया क्या है? चारपाई समझ लेंगे, पलंग समझ लेंगे, बेड और डबल बेड तो खैर समझ ही लेते हैं, है ना, डबल बेड तो समझ ही लेते हैं। पलंग पर क्यों बिठाला, कुर्सी पर क्यों नहीं? तुलसीदास जी से पूछा कुर्सी पर आप बिठा सकते थे क्या? हां मैं बिठा सकता था, लेकिन कुर्सी पर बिठा दे दो बिठा देता, कैसे का अगर बिठाते तो मैं ऐसा लिख देता, कर बिनती मंदिर ले आए चरण पखार चेयर बैठाए, ये तो लिखना ही तो था, बैठा लेते मैं लिख देता चेयर बैठाए कुर्सी पर बिठा दिया, नहीं नहीं बैठाला नहीं तो कैसे लिख दूं, कर बिनती मंदिर ले आए चरण पखार पलंग बैठाए, पलंग पर बिठाला है। हनुमान जी ने कहा जानबूझ के बिठाला पलंग पे, लक्ष्मण जी बोले जानबूझ के, इसका मतलब सुनियोजित षड्यंत्र। हनुमान जी बोले आप समझने की कोशिश करें ना, देखो आप पहले मेरी बात तो सुन लो, हाँ सुनाओ सुनाओ, जानबूझ करके बिठाला है तो इसका मतलब है हमारी प्रतिज्ञा में अवरोध पैदा करने जा रहे थे आप। हनुमान जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं,
आप तो आप हैं, आपको चाहे पलंग पर बिठा दें, चाहे किसी सुख सुविधा युक्त स्थिति में बिठा दें, आप तो प्रतिज्ञा किए तो किए, आप साधारण नहीं है, आप सामान्य नहीं है, आप साधारण नहीं है, आपको सैया की जरूरत नहीं है, आप तो स्वयं प्रभु की सैया है। प्रभु किस पर लेटते हैं जल्दी बोलो, शेष पर लेटते हैं। किस पर लेटते हैं? शेष पर। और लक्ष्मण क्या है? शेष है। आप तो स्वयं में सैया है, आपको सैया पर बिठालना है, ये सूर्य के आगे दीप दिखाना, क्यों भैया सूर्य के आगे दीपक दिखाओ, आपको सैया, आपको सेज, आप कैसी सुखद सेज तो संसार में है ही नहीं कि नारायण केवल सोता है तो आपके ऊपर ही सोता है। बोलो भाई इतनी सुंदर सेज किसकी होगी? आप तो आप हैं, आप स्वयं सेज हैं, स्वयं सैया हैं। आप ये ना सोचे कि सैया पर क्यों बिठा ला है, सैया को सैया पे, सुग्रीव को सबक मिल जाए। अच्छा अच्छा तो सुग्रीव को क्या सबक मिलेगा मेरे इस पलंग पर बैठने से? हनुमान जी बोले ये सबक मिलेगा कि इसी पलंग पे सोता रहा 4 महीने, इसी पलंग पे सोता रहा, गया ही नहीं। अच्छा इसी पलंग पे सोता रहा, तो फिर सोता रहा इस पलंग पे तो मुझे क्यों बिठाला? हनुमान जी बोले इसलिए बिठाला कि जब आपको बैठा देखेगा तो इस पे सोएगा ही नहीं है। जिस कमरे में आप सोते हो है ना, रेस्ट रूम, बेडरूम है, होते नहीं रूम, बड़े बड़े महल बन रहे हैं आजकल, बेडरूम, रेस्ट रूम, और एक जगह ले गए जहां पर रसोड़ा तैयार हो रहा था, रसोई, बोले महाराज ये है टेस्ट रूम, ये भोजन बनता है ना, बहुत टेस्टी भोजन बने जिसमें, उसको क्या कहोगे बोलो भाई, टेस्ट रूम। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे बैठने से नींद नहीं आएगी क्यों? हनुमान जी ने कहा आप शेष हो, शेष मानी सर्प, आप जिस पलंग में, जिस रूम में सोते हैं, जिसमें आपका सोने वाला पलंग है, और आप रात्रि को बैरी करके जैसे ही प्रवेश करें और उस रूम का स्विच ऑन करें, और जैसे स्विच ऑन हो, बल्ब हो धक और सांप बोले फस। अच्छा एक बात बताओ, क्या कंडीशन रहेगी उस समय? बोलो क्या कंडीशन रहेगी? प्रधानमंत्री हो भगेगा, भले ही सुरक्षा गार्ड लगे हो, क्यों भाई है, भले ही कितना सुरक्षा गार्ड लगे हो, बोलो भाई सुरक्षा ही गार्ड भगेंगे, वो कंडीशनिंग ये होती है। सर्प को कौन चैलेंज देगा? हाँ आप कहोगे मार देंगे उसको, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये वो सर्प है कि मरने वाला नहीं है, याद रखना, क्यों भाई लक्ष्मण वो है, बालवा का नहीं हो सकता है, बोलो भाई हो सकता है क्या? मारने की कोशिश तो की थी मेघनाद ने, बोलो की थी मेघनाद ने मारने की कोशिश, वीर घातनी छाण सुसांगी तेज पुंज लक्ष्मण और लागी, मारने की पूरी कोशिश, एड़ी चोटी का पसीना ये कर दिया, पूरी लंका में नगाड़े बजने लगे, बोले अब तो लक्ष्मण मर गए मर गए मर गए, अब बचा ही नहीं सकते, बचा ही नहीं सकते, बचा ही नहीं सकते। याद रखना लक्ष्मण बच गए, बाकी नगाड़े बजाने वाले सब मर गए, क्यों भाई नगाड़े बजाने वाले सब मर गए, बोलो भाई खुशियां मनाने वाले लंका के सब मर गए, लेकिन बचे कौन जल्दी बोलो? लक्ष्मण बच गए। इसलिए ये वो शेष है, वो सर्प है कि इसे कोई चैलेंज नहीं दे सकता है। अरे प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, हम तो राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति ही तो है सुग्रीव, राजा मानी क्या होता है, बोलो भाई राष्ट्रपति है, लेकिन भागा भागा फिर रहा है कि नहीं फिर रहा है, बोलो भागा भागा फिर रहा है। प्रधानमंत्री तो छोटी सी बात है, प्रधानमंत्री और मंत्री सब तो सेवा में लगे थे हनुमान जी की, लेकिन छिपा कौन था जल्दी बोलो? राष्ट्रपति छिपा हुआ था, राष्ट्रपति भागा भागा फिर रहा है, छिपा है।
कहे महाराज जैसे ही आपको देखेगा बैठा तो नींद नहीं आएगी इसको, इस पलंग पे ही नहीं आएगा, और जब नींद नहीं आएगी तो प्रभु की सुध नहीं भुलाएगा, इसलिए आपको बिठा दिया है। लक्ष्मण जी बोले अब समझ में आई।